बेटा होने की गारंटी, इच्छुक दंपति एक बार मिल लें, ये लाइनें अक्सर आपने हाईवे पर, खेतों में, दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई देखी होंगी, जिससे बाबाओं का धंधा चमकता है। पर जब बीएएमएस यानी कि आयुर्वेद मेडिसिन और सर्जरी के बैचलर कोर्स में भी ये पढ़ाया जाए कि बेटा कैसे पैदा करें, तो इसे आप क्या कहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटा पैदा हो तो उत्तर दिशामुखी बरगद के पेड़ की पत्तियां, उड़द दाल और सरसों के दानों को पीस कर दही में मिला लें। अब इस मिश्रण का सेवन करें। बेटे की चाहत रखने वाले दंपत्ति के लिए यह नुस्खा किसी बाबा ने नहीं सुझाया। यह नुस्खा महाराष्ट्र में मेडिसिन एंड सर्जरी के बैचलर कोर्स यानी बीएएमएस के सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें देश के भावी आयुर्वेद डॉक्टरों को बेटा पैदा करने की तकनीक के बारे में पढ़ाया जा रहा है। किताब में बताया गया है कि नर भ्रूण तैयार करने की प्रक्रिया को पूसनवान कहा जाता है। जो महिलाएं बेटा चाहती हैं, उन्हें गर्भ धारण करने से पहले इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। किताब में आगे बेटा पैदा करने की कई तकनीकों के बारे में बताया गया है। बेटे की इच्छा रखने वाली महिलाओं को सोना, चांदी और लोहे के दो पुरुषों की छोटी मूर्तियां बनानी होंगी। इसके बाद उन्हें भट्टी में झोंक कर पिघलाना होगा और पिघले हुए पदार्थ को दूध, दही या पानी में मिलाकर पुष्प नक्षत्र की शुभ घड़ी में पीना होगा। जानकारी के मुताबिक बीएएमएस कोर्स में शामिल बेटा पैदा करने का यह नुस्खा चरक संहिता से लिया गया है, जिस पर सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता गणेश बोरहाड़े की नजर पड़ी। भारत भर में बीएएमएस के जो सिलेबस है तृतीय वर्ष आयुर्वेदाचार्य करके, उसमें चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में शूद्र, जात वर्ण व्यवस्था ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और उसमें पूषण विधि करके जो विधि है, उस विधि में अगर आपको पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए होगी तो आप क्या करना चाहिए, उसका एक प्रोसीजर बताया हुआ है। डॉक्टरी की किताब में बेटा पैदा करने के नुस्खे पर आयुर्वेद समर्थक पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद में जड़ी बूटी के बारे में नहीं बताया जाएगा तो फिर क्या बताया जाएगा? ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि लड़का और लड़की में भेद करने का कोई नुस्खा इस देश में मान्य नहीं है। बीएएमएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे शहरों में प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेद को तवज्जो देते हैं। ऐसे में अगर मेडिसिन स्टूडेंट को ये सब पढ़ाया जाएगा तो समाज की मदद सिर्फ भगवान कर सकता है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।